नमस्कार आदाब, पेश है हमारा यूपी स्पेशल का दूसरा हफ्ता चौथा केस। आज और कल हम आगरा में हैं। क्राइम पेट्रोल सतर्क। मुझे डॉल चाहिए। बेटा, तुम्हारे पास तो घर में कितनी सारी है, हम फिर कभी लेंगे, ठीक है? लेकिन ये वाली तो नहीं है ना। बेटा जिद मत करो, कहा ना फिर कभी। नहीं मामा, मुझे यही वाली डॉल चाहिए। मामा मुझे यही चाहिए, मुझे यही वाली डॉल चाहिए। तमाशा मत करो, चलो उठो। नहीं मामा, आप मुझे ये नहीं करके दोगे तब तक नहीं उठूंगी। चलो उठो, चलो घर चलते हैं, चलो। नहीं, मुझे यही वाली डॉल चाहिए, फिर मैं घर जाऊंगी। अरे मानसी बेटा, घर पहुंच गई? घर नहीं पहुंचती तो लैंडलाइन के नंबर से फोन कैसे करती? अरे हाँ, अच्छा सुन, पराठे गरम कर लेना खाने से पहले। मुझे पराठे वराठे नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए। फिर वही बात, तू 18 की तो हो जा, उसके बाद देखेंगे। नहीं अभी चाहिए। बेटा तेरे स्कूल में भी अलाउड नहीं है। वो सब मैं संभाल लूंगी, आप बस आते समय मेरा इंस्ट्रूमेंट ले आना, ब्रांड एंड मॉडल आपको पता है। मानसी बेटा, बच्चों की तरह जिद करना कब छोड़ोगी? आज अभी, और सिर्फ जिद्दी नहीं, दुनिया छोड़ के जा रही हूं मैं, सुसाइड करने जा रही हूं मैं। बाय मानसी। मानसी, 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 मोबाइल लाई माँ। नेक्स्ट टाइम सिर्फ धमकी नहीं होगी, या तो मोबाइल या मेरी लाश। मानसी को मोबाइल मिला, जिस ब्रांड का चाहिए था, जिस मॉडल का चाहिए था, मानसी को वो मोबाइल मिला। जब बच्चों की जिद धमकियों और बगावत पर उतर आती है तब अक्सर माँ बाप अपने बेबस घुटने टेक देते हैं। पर क्या बच्चों की मांगे पूरी करने से ये इमोशनल ब्लैकमेल रुक जाता है? जरूरतें पूरी करना और हर मांग को सर आंखों पर रखना, इन दोनों के बीच एक बारीक फर्क की लकीर है। पर इसके बारे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है, वरना लंबे समय में सर से इतना पानी निकल जाता है कि बाद में काश कहना भी बेकार मालूम पड़ता है। मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। इशारे समझने के लिए ही किए जाते हैं। आज तक मेरा इशारा कभी निशाने से नहीं चूका और आगे भी नहीं चूकेगा। So
सालों से कह रही थी तुम्हें कि उसे इतनी ढील मत दो। अब देखो खुद भी एक कटी पतंग की तरह नाच रही है और तुम्हें भी नचा रही है। मेरी लाइफ में बस वही तो एक है। पर लाइफ भी तो एक ही है ना, जान है तो जहान है। क्या करूं नैना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानसी तो बात बात में सुसाइड करने की धमकी देती रहती है, बचपन से ही ऐसी है। हाँ पर उसके बचपन में तुम तो बच्चे नहीं थी ना, पतंग की डोर तुम्हारे हाथ में थी रेखा, जो दूसरे हाथ से तुमने काट दी। अब ना पतंग को दोष दे सकती हो ना हवा के रूप को। ज्योति देखना कब से फोन लगा रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। कमाल है यार रेखा, तू भी, तेरी बेटी 3 दिन से घर नहीं आ रही है और ना फोन उठा रही है। तू कह रही थी कि पहले भी ऐसा हुआ है, वो मेरी सुनती कहाँ है। देख मेरी बात सुन, इस बात को इतना लाइटली मत ले। अब की बार जब वो आएगी ना तो उसके साथ एकदम सख्ती से पेश आना, या फिर एक काम कर तू सीधा पुलिस स्टेशन जाके ना उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा। पुलिस? हाँ, 2 रात से तेरी 21 साल की जवान बेटी ना घर आई है ना फोन कर रही है, ऐसे भी कौन है जो पुलिस के पास नहीं जाएगा। तेरी जगह मैं होती ना बाबा, मेरी तो जान ही निकल जाती। मानसी तुम इतने दिन कहाँ थी और मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? शिल्मा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितना परेशान थी तुम्हारे लिए? तुम ज्योति आंटी हो ना? हाँ मैं ज्योति हूँ, तुम्हारी मॉम की दोस्त, और तुम्हारी मॉम की फिक्र है मुझे। मैं तुम्हारे घर का कुछ खाती हूँ क्या, या कभी कोई पैसे वैसे लिए मैंने तुमसे? मानसी बचपन में तुम पर उल्टी की मैंने कभी, या तुमने कभी मेरी सुसु बॉडी साफ की? मानसी ये क्या बदतमीजी है? अरे माँ बदतमीजी ये कर रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दखल देने की? हाँ कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? सुना नहीं, गेट लॉस्ट। मानसी ज्योति तू पागल हो गई है क्या? हाँ मानसी चिल माँ, शी इज लकी कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। मानसी तुझे जरा भी बुरा नहीं लगता? लगता है ना माँ, बहुत बुरा लगता है, जब बेर गर्म होती है। बेटा तू क्यों अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर रही है? क्योंकि ये मेरी लाइफ है। तुम्हारी जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी भी जुड़ी हुई है, भूलना मत। कुछ नहीं भूली हूँ मैं माँ, सब याद है मुझे। तुम्हारी जिंदगी का हर वो दिन याद है जो तुमने अपनी मर्जी से जिया। मैंने कभी सवाल किए तुमसे, कभी पूछा क्यों छोड़ा पापा को? तुम्हारे पापा अच्छे आदमी नहीं थे, मुझे तुम्हारी भलाई के लिए ये सब करना पड़ा। मेरी भलाई को बहाना मत बनाओ माँ, तुमने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, अपने तरीके से किया। अब मुझे क्या पता पापा कैसे आदमी थे, मुझे तो ना कुछ अच्छा याद है ना बुरा। माँ कल को तुम मुझे भी बुरा बोल के छोड़ दोगी क्या? माँ छोड़ दोगी मुझे भी? हाँ तूने आज तक मुझसे ऐसी बात कभी नहीं की। माँ इस वक्त मुझे ना ऐसे बात करनी है ना वैसे, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ, तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। हरी ना तो आपको मानसी की फिक्र है और ना ही मेरी। देखो रेखा, तुम्हारे इस वहम को दूर करने की मेरे अंदर ताकत नहीं बची, और मैं यूं घर बैठे बैठे तुम्हें अपनी फिक्र का सबूत नहीं दे सकता। मुझे काम पर जाना है, बाहर जाके 2 पैसे कमा सकता हूँ, या घर पे बैठ के तुम्हारी बातों पे अपना दिमाग गवा सकता हूँ। वैसे भी आपकी कमाई काफी नहीं है,
और ना ही कभी आपने मुझे काम करने दिया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन नहीं। यार बस करो, मैंने तुम्हें कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। मुझे ये बेकार में विलन मत बनाओ, हर रोज एक ही बात पे लड़ाई। अरे कुछ तो अलग लेके आओ। अरे मुझे अलग होना। अलग मतलब? मुझे हमेशा के लिए अलग होना। मैं अपनी बच्ची की परवरिश खुद कर सकती हूँ। करो, जो करना है करो, लेकिन करो। लेकिन अगले 6 महीने तक मुझसे ये अलग होने का रिकॉर्ड मत बजाना। मेरे बच्चे में ये जिद कहां से आई? इसने बगावत करना कहां से सीखा? इस सब में मेरी क्या गलती है? इन सारे सवालों के अंधेरे में डूबे माता पिता कई रातें बिना सोए गुजारते हैं। अक्सर पूरी पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं। दुनिया अक्सर परवरिश को दोषी ठहराती है, उंगली सीधे माँ बाप पर उठती है, पर क्या परवरिश में कमी ही एकमात्र कारण है? हम अक्सर अपने सपने अपने बच्चों के द्वारा जीने की कोशिश करते हैं, जिस चोटी पर हम उन्हें देखना चाहते हैं और हमारे वर्तमान की हकीकत, इन दोनों के बीच की खाई गहरी है। और इसी खाई में कहीं वो सच छुपा होता है कि हमारा बच्चा इतनी जिद क्यों करता है। For you. Thank you. Cheers. वो तो ये कार तुम्हारी अपनी है? Of course. मेरे दाद ने बर्थडे गिफ्ट दी थी। डैड हो तो ऐसे बड़े आदमी होंगे। होटल चेन है हमारा, यहाँ आगरे में, कानपुर, लखनऊ। नाइस। तो आज से तुम मेरी मुमताज। बड़ी इजीली शाहजहां बनना चाहते हो? मुझे अपना बनाना इतना आसान नहीं है संजय, फिर भी ट्राई करो, देखते हैं। तुम कब तक मुझे ऐसे खुश करते रहोगे? जब तक तुम चाहो। कौन है वो लड़का? संजय नाम है। तुम्हारे बारे में सीरियस है? मैं उसके बारे में सीरियस नहीं हूं, अभी तक तो नहीं। अबे हाँ, माचिस दे। शिट यार, माचिस नहीं है साला, अब क्या करें? धत साला, एक जरूरी बात बोलनी थी तेरे को, अभी बिना सिगरेट के टेंशन होगा ना। अरे सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे सब ठीक है। वो संजय है ना, उसने प्रपोज किया यार कल रात, शादी करना चाहता है। शादी तुझसे? ओह माय गॉड, मुझे पता था तू ऐसे। पर सुन, उसके बाप की होटल चेन है। पर उसकी होटल चेन में डिस्को है या नहीं? अबे एक बार इससे शादी हो गई तो पूरी लाइफ ही डिस्को है। पर उसकी मम्मी पापा मिलेंगे तुझसे? अब मिलवाना चाहता है, बोल तो रहा था। और तू ऐसे, आई मीन इस जली हालत में जाएगी तो क्या खराबी है? देख अपना बहुत सिंपल फंडा है बॉस, मैंने कभी अपनी माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की तो उसके माँ बाप को क्या करूँगी। वैसे तू सच में शादी वादी के बारे में सोच रही? I mean, तू सीरियसली इतना जल्दी? लाइफ आज है कल नहीं है,
और उसने बोला है लाइफ टाइम खुश रखेगा। और सोच, माँ के साथ ये रोज रोज की जिग जिग रोज रोज का ड्रामा नहीं होगा, पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे उससे। ये तो है, वही तो है। देख यार, फाइनली पैसा ही है सब कुछ लाइफ में, और यहाँ तो पैसा सामने से चल के आ रहा है। खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और क्या। संडे फिक्स्ड, मॉम डैड से मीटिंग, रेडी हो ना? उसमें रेडी क्या होना, मिलना ही तो है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। और तुम्हारी मॉम, तुमने बताया उन्हें? अभी नहीं, बट चल, वो मना नहीं करेंगी। श्योर, उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं। देखा है ना उन्होंने तुम्हें, जब तुम रातों को मुझे ड्रॉप करने आते हो। ओह रियली? इनफैक्ट उन्होंने तुम्हें मेरा मुंह मीठा करते हुए भी देखा है। क्या? जी हाँ मेरे शाहजहां, और उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर तुम अपनी मुमताज को ढंग से किस कर सकते हो तो बाकी सभी डिपार्टमेंट्स भी ठीक है। तुम कब मजाक करती हो, कब सीरियस होती हो, पता ही नहीं चलता। यार लाइफ खुद ही एक मजाक है जिसे सीरियसली जीना चाहिए, इसीलिए दारू पियो तो सीरियसली, लड़के चुनो तो सीरियसली। तुम मेरे बारे में ये बात अब तक नहीं जान पाए और ऐसे ही प्रपोज कर दिया। संजय मिश्रा जी, उतने भी स्टर्ड नहीं हो जितने बनते हो। मैं उसे मिलना चाहूंगी। क्यों? देखा तो है तुमने उसे जब वो मुझे छोड़ने आता है। मिलकर क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब, मैं उसे जानना चाहूंगी। वो तुम्हारा होने वाला पति है, पति जीवन साथी होता है, शादी एक सीरियस मामला है, कोई मजाक नहीं। ऑफ कोर्स माँ, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना, पति जीवन साथी होता है, शादी सीरियस मामला है। मैं संडे को जा रही हूँ उसके माँ बाप से मिलने, फिर देखते हैं। तुम भी मिल ही लेना अपने होने वाले जमाई राजा से। अगर वो लड़का उस फैमिली को बिलोंग करता है तो वो काफी वेल सेटल और अच्छे लोग हैं। मुझे उनकी अच्छाइयों पे कोई डाउट नहीं है, पर तू तो मानसी को जानती है, किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं है। एक तो बदतमीज और मुंहफट, ऊपर से ये बुरी आदतें। पागल ये नहीं जानती कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। रेखा, क्या तुम अब भी मानसी के पापा के कॉन्टैक्ट में हो? जब से डाइवोर्स हुआ है तब से उनसे बिल्कुल बात नहीं हुई, जीरो कॉन्टैक्ट है। तुम्हें लगता है कि मानसी की शादी में उसके पापा को भी बुलाना चाहिए? पापा वो होता है जो प्यार और परवरिश करे। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये रिश्ता अपने मानसी के लिए सही रहेगा। एक बार उसने सेटल होने का फैसला कर लिया है ना, तो बस आगे सब कुछ ठीक ही होता रहेगा। तो भरोसा रख। अरे लीजिए ना, लो बेटा। हमारे बेटे की पसंद ही हमारी पसंद है। हमारे बड़े बेटे विकास ने भी अपनी लाइफ पार्टनर खुद चुनी थी, संजय ने भी चुनी है। ना पसंद का कोई कारण ही नहीं बनता। जी संजय मुझे भी पसंद है, मेरा विश्वास है कि संजय मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, और उम्मीद करती हूँ कि मानसी भी उसका पूरी तरह से साथ देगी। मैं क्या कहती हूँ कि जल्दी से एक अच्छी सी डेट निकालते हैं और दोनों की शादी कर देते हैं, मगर इस प्रॉमिस के साथ कि ये जल्दी से जल्दी हमें पोते पोती का मुंह दिखाएंगे। जिंदगी में और क्या चाहिए, हमारे बच्चों के बच्चे ही हमें खुशी दे सकते हैं। सही बात है ना रेखा जी? बिल्कुल गोविंद जी, ये खुश रहें, इनके बच्चे खुश रहें, और क्या चाहिए। मानसी और संजय शादी के बंधन में दो अलग अलग कारणों के लिए बंधे थे। दोनों को विश्वास था कि जिंदगियां बदलेंगी, और दोनों को उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी कि जिंदगियां अच्छे के लिए बदलेंगी। शादी के बाद बदलाव आया जरूर, पर मानसी प्रिपेयर्ड नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। Thank you.
मानसी हर चीज अपनी तरीके से करना चाहती है तो मैं कर भी कह सकती हूँ, उसे कुछ भी बोलती हूँ तो उल्टी सीधी बातें सुना देती है। नहीं चलेगा, अब वो इस घर की बहू है, उसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। उसे अपनी किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, ये शायद वो उनका सामना नहीं करना चाहती। संध्या मैं कहूंगा टाइम दो, 4 महीने भी नहीं हुए शादी को, सबको एडजस्ट होने में टाइम तो लगता ही है। हमारे संजय को तो टाइम लगा नहीं जी, आप ही तो कह रहे थे शादी के बाद कितना जिम्मेदार हो गया है, कितना बदल गया हमारा संजय और अपने काम को कितनी अच्छी तरह से निभा रहा है। वो तो है, और ये लड़की दिन रात झगड़ा करने के बहाने ढूंढती है, हर रात झगड़ा होता है दोनों में, और तुम उनके झगड़े सुन रही हो। मैं क्यों सुनने लगी जी झगड़े? संध्या टाइम के साथ साथ दोनों को अपनी जगह भी दो, प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है शादी में। संजय तुम्हें मुझे 7:30 बजे पिकअप करके डिस्क ड्रॉप करना था जहां सोनिया मेरा वेट कर रही थी। इट्स 9:30 नाउ, तुम अब आ रहे हो? वो फोन कर करके थक गई मुझे। उसे बोल दिया होता कि अब हमारी शादी हो चुकी है, घर पे और भी काम होते हैं, पहले की तरह वेली नहीं हो तुम, है ना? संजय मैंने ये दिन देखने के लिए शादी नहीं की थी। मानसी हमने शादी इसलिए की थी क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिंदगी साथ में गुजारना चाहते हैं, राइट? हाँ, पर ऐसी जिंदगी नहीं संजय, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए। मानसी तुम देख नहीं पा रही हो, सब कुछ तो है हमारे पास और सबसे बड़ी बात है हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए, और स्वीरा मैं दिन रात मेहनत भी तो कर रहा हूँ, इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है? अच्छी लाइफ वो है जो हम शादी से पहले जीते थे, रोज घूमना फिरना मस्ती मारना, वो थी लाइफ, और उसी को और मजेदार बनाने के लिए शादी की थी ना हमने। सिर्फ पार्टीज करना ही अच्छी लाइफ नहीं होती है मानसी, तुम देखोगी समझोगी तो नजर आएगा तुम्हें। मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि इस घर में मैं एक कैदी हूँ जिसे पूरा दिन घर पर बैठे रहना है और आरती की बातें सुननी है, और उसकी बातें तो बड़ी एक्साइटिंग है, सब्जी खरीदना, मंदिर जाना, टीवी देखना, फॉर गॉड्स सेक। संजय मुझे तुम्हारे साथ लाइफ बितानी है, तुम्हारे साथ डिस्क जाना है, दारू पीना है, सुट्टा मारना है। तुम्हें वो लॉन्ग ड्राइव याद है ताज के पास, कितना मजा करते थे हम शाहजहां और मुमताज। सिट मानसी, मुझे वो सब याद है, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं, हमें सब मैनेज करना पड़ेगा। मानसी मैं सच में तुम्हारे लिए एक ताजमहल बनाना चाहता हूँ जहाँ हम और हमारे बच्चे रह सकें, मुझे तुमसे बच्चे चाहिए। गुड न्यूज है मानसी, नहीं हूँ ना मैं प्रेग्नेंट। चुप पागल, पूरी तरह प्रेग्नेंट है तू, 100% कंफर्म माँ बनने वाली है तू, कितना एक्साइटिंग है ना? संजय दरवाजा खोलो। क्या हुआ मानसी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, आई एम प्रेग्नेंट। ये तो बेस्ट न्यूज़ है, मैं बाप बनने वाला हूँ, वाओ, हाउ कूल। कूल? व्हाट डू यू मीन कूल? धोखा हुआ है मेरे साथ, तुम प्रोटेक्शन यूज करने वाले थे ना हमेशा, क्या हुआ उसका, मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? अब हो गई तो हो गई, वैसे भी हमें जल्दी से बच्चे करने ही थे ना। नहीं 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 नहीं, मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए, काफी टाइम तक नहीं चाहिए, इनफैक्ट कभी आगे चाहिए भी या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ संजय बेटा बोलो कैसे हो? माय गुड न्यूज है। क्या है गुड न्यूज? मानसी प्रेग्नेंट है। अरे वाह, ये तो वाकई में गुड न्यूज है, लेकिन मानसी ने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? वही तो प्रॉब्लम है माँ, मानसी इस न्यूज को गुड न्यूज नहीं समझती, माँ अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मानसी बिल्कुल भी नहीं सुन रही, उसे वही अपने मस्ती मजाक वाले पुराने दिन चाहिए और कुछ नहीं। अरे अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है, थोड़ा नर्वस है। मैं उससे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आपको बता नहीं सकते इस खबर से हम लोग कितना खुश हैं। संजय ने सरासर चीटिंग की है यार मेरे साथ,
तुझे पता है आज 5 महीने हो गए शादी को और वो एक बार भी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गया। मैंने तुझसे पहले ही पूछा था दैट आर यू सीरियस। यार तब मुझे थोड़ी ना पता था कि शादी का मतलब ये होगा। बेबी बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। अब तेरी लाइफ की सच्चाई ये है कि तू बहुत जल्दी मम्मी बनने वाली और तेरे आगे पीछे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे घूमेंगे। शट अप या सोनिया। अच्छा सुन, माँ आ गई है। अच्छाई पर और एक भाषण। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। कैसी है बेटा? छोड़ो ना फॉर्मेलिटीज। इनफैक्ट आज कोई लेक्चर देने के बजाय कुछ ऐसा कहो ना कि मानसी चल बेटा मैं तुझे लेने आई हूँ, या कुछ ऐसा कि जा मानसी जा बाहर जा एंजॉय कर अपनी जवानी। बोलो ना माँ प्लीज, ऐसा कुछ बोलो ना। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगी। इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि तुम क्या कहने आई हो। यही ना कि मानसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, एक अच्छी बहू बनो, एक अच्छी पत्नी बनो, अपना एक अच्छा घर बनाओ, ब्ला ब्ला। तुम्हारा गुस्सा किस बात को लेके है मानसी? सच सच बताओ। आप सच बताओ, अगर मैं आपकी लाइफ में नहीं होती तो आपकी लाइफ कितनी फ्री होती ना। जिससे प्यार हो जाता उसी के साथ रह लेती, लाइक अ मेमोरी कार्ड, सेव डिलीट सेव डिलीट। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज तू है मानसी, और हमेशा रहेगी। एक्चुअली ना माँ, आपको पता ही नहीं है कि अच्छी लाइफ क्या होती है। वो संजय को भी नहीं पता। उसे शादी करके मुझसे गलती जरूर हो गई है, पर उस गलती की सजा मैं सारी जिंदगी नहीं भुगतूंगी। बेटा हर किसी की जिंदगी जुड़ी होती है किसी दूसरी जिंदगी के साथ। वही तो ना माँ, ये जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, जुड़ेंगी, जुड़ती हैं, जुड़ी रहेंगी, यही तो प्रॉब्लम है। बियर। मानसी तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी ये बगावत किसके खिलाफ है? चेयर्स। मेरे खिलाफ? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? क्या माँ, मैंने आपको बियर ऑफर की तो मैं भागी होगी। बगावत आप सब कर रहे हो मेरे साथ, मेरे नेचर के खिलाफ। मुझे एक सुंदर सुशील टिकाऊ बहू बनाकर रखना चाहते हो, जो जिंदगी भर सबकी सेवा करती रहे और उसी खुशी में अपना दम तोड़ दे। और बागी आप मुझे कह रहे हो, वाह सही है। बेटा तेरे पेट में बच्चा नहीं, कई लोगों के सपने पल रहे हैं। गलत। ये बच्चा मेरे पेट में मेरी मर्जी के खिलाफ आ गया है और अब आप सभी लोग उसका ठेका ले रहे हो। अब सब लोग 2400 घंटे मुझे यही बताते रहेंगे कि ये बच्चा जिंदगी में कैसा इंसान बनेगा, मेरी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। बेसिकली अब मेरे साथ वही होगा जो आपके साथ हुआ था। आपको मैं नहीं चाहिए थी, आपके लिए बच्चा बोझ था। तू क्या बकवास कर रही है? मेरे लिए तू कभी भी बोझ नहीं थी बेटा। मेरी तो हमेशा से इच्छा थी मां बनने की। आपकी होगी मां, पर मेरी नहीं है। ना ही मां बनने की और ना ही आपकी तरह झूठ बोलने की और फिर उसी झूठ को सच समझकर सारी जिंदगी बिता देने की। मुझे एक अच्छी लाइफ बितानी है। बेटा संजय ने तुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है, तो क्यों उसके साथ ऐसा कर रही है? मेरा यकीन कर, जब ये बच्चा आ जाएगा ना तो तुम दोनों इतने करीब आ जाओगे कि तू सोच भी नहीं सकती। आ करो। आ क्या लिखा हुआ है? Once upon a time, once upon a time, office, office, देखो तो बेटा कौन है? ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। आगे क्या लिखा है देखो? हाय भाभी। H-E-E। देखो पापा आ गए, पापा आ गए, पापा। कैसी है हमारी रानी साहिबा? आज फिर लेट पापा। आज फिर ट्रैफिक मेरी जान, आज फिर ट्रैफिक। लेकिन कल मैं जल्दी आ जाऊंगा, कल पक्का मैं आफ्टरनून में आ जाऊंगा। ओके? नहीं पापा,
आप कल ऑफिस ही मत जाओ, सारा काम विकास चार्ज को दे दो और कल आप सिर्फ मेरे साथ खेलो। ओके। माँ, मानसी कहाँ है? बाहर गई है। आरती को बता करके गई थी कि सोनिया के साथ कहीं बाहर जाएगी। मेरा फोन नहीं उठा रही थी। वहाँ बहुत शोर था, रिंग सुनाई नहीं दी। मानसी, तुम रानी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? 3 हफ्ते पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम बाहर जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। नहीं हो पाया, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी एक छोटी बच्ची है, और इसके साथ टाइम स्पेंड करना भी उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो इसे घर छोड़ के जाने में और नशे में धुत लौट के आने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अगली बार ना ये लेक्चर मेल कर देना मुझे और मैं कोई मिंडविंड की गोली खाकर आ जाऊंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। मिंट की गोली खाने से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? तुम्हें पता है आज ये तुम्हारी बुजी सिगरेट मुंह में डाल रही थी, वो तो माँ ने इसे रोका, नहीं तो वो शर्म आती है नहीं? आती है ना, शर्म आती है ये सोचकर कि मैंने अपने ही हाथों से अपने पंख काट दिए। ये शादी नहीं, जेल है, जेल। यहाँ मैं अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकती। एक चीज होती है मानसी, मैच्योरिटी, ठहराव। वक्त के साथ हम सब बदल जाते हैं। मैं नहीं। ये मैं करना कब बंद करोगी? हम क्यों नहीं कहती तुम, मैं, हमारी बच्ची, हम? यार ये हम ही तो है जो इस दुखी कहानी को और दर्दनाक बनाता है। मैं अपनी लाइफ को दर्दनाक नहीं बनने दूंगी। थैंक्स, बाय। सोनिया, संजय है, मानसी है वहाँ? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कल घर आने से पहले वो तुम्हारे साथ थी। हाँ, पर उसके बाद तो वो अपने घर पे चली गई ना। पापा, मम्मी कहाँ है? यहीं कहीं गई है बेटा। मम्मी क्या मुझसे नाराज है पापा? तो फिर आपसे गुस्सा है? ये सब क्या सोच रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मम्मा घर क्यों नहीं आती पापा? मुझे उनकी बहुत याद आती है। हाँ संजय बेटा, बोलो कैसे हो, सब खैरियत? हाँ माँ, सब ठीक है। वो मानसी आई थी आपके यहाँ? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? माँ वो एक अरसे से डिस्क जाना चाहती थी, मैं नहीं ले जा पाया। परसों रात पीकर घर लौटी तो हमारी थोड़ी तू-तू मैं हो गई। उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। 2 दिन हो गए उसका कुछ पता नहीं चल रहा। फोन कर रहा हूँ तो फोन भी पिक नहीं कर रही। अगर कॉन्टैक्ट है तो उसे कहिएगा कि तुरंत घर लौटे। रानी बहुत मिस कर रही है उसे, और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं। माँ, चाय कॉफी? साला जिसे देखो चाय कॉफी पूछता है। चलो कॉफी बोल दो, एटलीस्ट सुनने में तो अच्छा लगता है। सुट्टा है?
मानसी की बगावत किसके खिलाफ थी? वो कौन था जिससे मानसी इतना ज्यादा गुस्सा थी? मानसी अपनी जिद्दी बगावत से आखिर हासिल क्या करना चाहती थी? चाहे वो बचपन में खिलौने हो या फिर जवानी में लाइफ पार्टनर, मानसी को हर जगह अपनी मर्जी के अलावा दूसरों की राय तक मंजूर नहीं थी। अब वो अकेले चल तो पड़ी थी जिंदगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीने, पर वो पीछे कई और जिंदगियों को अधूरा छोड़कर जा रही थी। एक ऐसी माँ जिसने हमेशा उसे बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की, एक ऐसा पति जो उसके लिए प्यार भरा ताजमहल बनाने की कोशिश में था, और एक प्यारी सी बेटी जो उसे हमेशा मिस करती थी। लेकिन ये तीनों भी मानसी के दिल को पिघला नहीं पाए थे। क्या सुबह की भूली मानसी शाम को घर लौटेगी? क्या वो सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचना बंद करेगी, या वो दुनिया को बागी समझेगी जो उसकी जिंदगी उथल पुथल करना चाहती है? मानसी की बगावत की कहानी का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में कल रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।